बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं बांदा से एक खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बांदा में इंसानी खून की कालाबाजारी हो रही है। यह कालाबाजारी काफी वर्षों से चल रही है। खून माफ किया इस कार ने इन छोटे जिलों में अपना गढ़ बनाए हुए हैं, अपने एजेंट रखते हैं, किसी न का खून निकालते रहते हैं। बगैर टेस्टिंग संक्रमित व्यक्तियों का नशेड़ी, कोरोना युक्ति, टीवी जैसी कैंसर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का खून निकालकर, कुछ जानवरों का भी खून निकालकर रल्ले से अपने आम सीधे सीधे गांव वासियों को हजारों रुपए में बेच देते हैं। यह प्रक्रिया को पकड़ने के लिए बांदा पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर ने एक टीम का गठन किया गया और पावरफुल लोगों के 3 एजेंटों को खून सहित रोडवेज बस में थर्माकोल के अंदर अनाधिकृत रूप से खून को बेचते हुए पकड़े गए और जिसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा थाना कोतवाली बांदा में पंजीकृत किया गया। इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ करने के इस भयानक खेल को देखकर असाधारण आदमी की रूह कांप जाती है। यह कारोबार 10 वर्षों से इस जनपद में चल रहा है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के बांदा में खून का अवैध व्यापार लगभग 10 वर्षों से चल रहा है। यहाँ पर बहुत से ऐसे नर्सिंग होम जिनमें नर्सेस स्टाफ प्रतिमा खून लिया जाता है, तनख्वाह के बदले उनका 12 यूनिट खून निकाला जाता है और इसमें बड़े बड़े सफ़ेद माफिया शामिल हैं जो इस कार्य को बराबर करा रहे हैं। 10 साल से ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस महकमा, सिविल महकमा, CHSU नहीं है। आज इस टीम ने मुखबिर की सूचना के अनुसार रोडवेज बस स्टाफ में छापा मारा जिसमें 3 लोग ब्लड के साथ गिरफ्तार किए गए। उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े खुलासे किए हैं लेकिन प्रशासन उनके गिरेबान पर हाथ डालने में हीला हवाली कर रहा है। हालांकि की गंभीर धाराओं में लगभग 1 दर्जन मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज कर दिया गया और अभी तुमको रिमांड में लेकर आगे की पूछताछ जारी है। किसमें कौन डॉक्टर, कौन से सफ़ेद पोस्ट लोग, कौन से स्वास्थ्य महकमा, लखनऊ के लोग, नेताओं के, जनप्रतिनिधि का किस तरह इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बांदा से राजीव द्विवेदी की रिपोर्ट। लोग हैं ये जो पकड़े गए हैं, एक मुखबिर सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टाफ पर 3 व्यक्ति पकड़े गए जिनका नाम अंकित श्रीवास्तव, सुराज कलोनी, नीरज कुमार जिंदगी और अरुण कुमार आवास विकास कॉलोनी फतेहपुर। इनके पास 2 यूनिट ब्लड जब्त किया गया जिसको ये फतेहपुर से लेकर के यहाँ किसी व्यवसाय के रूप में किसी हॉस्पिटल में उनके द्वारा नाम पता नहीं बताया गया। इस मौके पर सिविल लाइन चौकी इंचार्ज ने हमको सूचना दिया तो हमने जाकर के वहाँ पर पकड़ते हुए ब्लड बैंक का सैंपल कलेक्ट करते हुए जांच करते हैं। संजय गांधी लखनऊ भेजेंगे। क्या लग रहा है सर, नकली खून है ये? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये नकली है कि इसमें कोई मिलावट है, ऑब्जर्वेशन है, ये जांच के बाद ही पता। क्या डॉक्टर साहब उनको भी, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी जिनको ये बेचते हैं या कुछ और भी? हाँ, इसमें जो मैन्युफैक्चरर है जिसमें उनके नाम पाया गया है वो मित्रा इंडस्ट्री दिलाई मथुरा रोड फरीदाबाद का है। उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसको लेटर भेजा जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि किस चीज़ का आपने कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। उसके हिसाब से फिर पूरी विवेचना करते हुए और दोषी पाए जाने पर क्या लगता है कितने लोगों का ये जालसाजी में इसमें साजिश हो? अब तो इसमें जो है ये तो जाँच करने के बाद ही पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद। अगर ये खून चढ़ जाता तो सर किस तरह से नुकसान था? अब ये यदि खून ये नकली होता तो इसमें जो है बॉडी में रिएक्शन हो जाता और मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। क्या बता रहे हैं कहाँ से खून लाए? इसके बारे में कहेगा खून है ये, इसके बारे में उनके द्वारा नहीं बताया गया कि हम कहाँ से लेकर गए हैं। उनका ये कहना है कि हमको कुछ स्टाफ में दे दिया गया है और हम जो है इसको लेकर के यहाँ पर आए। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दें। आपके अपने चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इस रिपोर्ट को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।